बाद हम लाल लाल पैथलैब गए जो मेरे घर के पास थी, तो वहां पे जाके मैंने पूछा, कह रहे हाँ हाँ होता है लेकिन यहाँ पर नहीं होता है, वो दूर वाले कोई बता रहा था वहां पे ब्रांच है, वहां पे जाके करना ना। मैं ठीक है वहां पे गए, तो वहां पे एक और लाल पैथलैब थी, तो वहां पे मैंने पूछा कि ऐसे ऐसे वीजा के लिए चेस्ट एक्सरे कराना होता है, यहाँ पर होता है, कह रहे हाँ चेस्ट एक्सरे तो होता है लेकिन यहाँ पे नहीं होता है, आगे जाके तो पता नहीं कितना आगे जाके वहां पे एक और ब्रांच है, वहां पे जाके होगा, उस वही लाल पैदल में होगा। तो मैंने वहां गई, फिर उनको बोला, कह रहे कि मुझे चेस्ट एक्सरे कराना है वीजा के लिए, कह रहे यहाँ पे नहीं होता है, आपको और आगे जाना पड़ेगा, वहां पे होगा। मेरे को मन तो कर रहा था कि बोल दो कि तुम लोगों ने क्यों शॉप खोली हुई, रास्ता बताने के लिए कि यहाँ से यहाँ तक जाना, यहाँ से यहाँ तक जाना, इतना वेलकम बैक टू माई चैनल, माई नेम इज़ अंजलि और मैं 2023 GK स्कॉलर हूँ। तो जो आज की वीडियो होने वाली है वो होने वाली है मेरे GKS जर्नी के बारे में, मतलब मेरा JNU का फेलियर और मेरा सिलेक्शन GKS में। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही एक्साइटेड स्टोरी है, अभी तो एक्साइटेड लग रही है, उस टाइम पर तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स हो रखे थे, तो बस वो बताने के लिए बैठी हूँ। फटाफट वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे मेरा इंटरेस्ट, मेरा कोरिया में इंटरेस्ट कैसे आया। तो मेरा इंटरेस्ट आया था जब मैं 10th क्लास में थी, तो उस टाइम पे टिकटॉक चलता था, टिकटॉक पे वो चलता रहे, तो फिर तो स्क्रॉल करते रहो बैठे बैठे, तो मेरे खाली बैठी हुई थी, तो मैं ऐसे स्क्रॉल करते करते, तो मुझे एक बार मतलब वीडियोस आना स्टार्ट हुई थी वी को लेके, BTS वी को। तो उसमें होता नहीं वो जो BTS के वी के से फोटो पे फोटो फोटो पे फोटो डालते हैं, पीछे कुछ सॉन्ग चल रहा होता है, तो ऐसे कुछ वीडियो थी वो, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड लगी क्योंकि वो स्मार्ट था, हैंडसम था, तो मुझे लगा बड़ा ही स्मार्ट बंदा है, कौन है। तो मैं को ऐसे मतलब, और उस टाइम पे उसका नाम भी बहुत ज्यादा फेमस हो रहा था क्योंकि वो कुछ मोस्ट हैंडसम मैन इन द वर्ल्ड ऐसे करके कुछ आया था उसका नाम, उसमें भी शायद शायद क्या आया था मेरे को तो याद है, बाकी नहीं अभी तो मैं भूल गई, लेकिन उस टाइम पे तो था, तो उस टाइम पे वो आया था, तो मैं बहुत ज्यादा वो फेमस भी हो रहा, तो मेरे को आया, मैंने कहीं पता नहीं क्या है, तो मैंने गूगल पे जाके सर्च किया कि वी, तो मुझे उसके थ्रू फिर BTS के बारे में पता चला। तो मैंने BTS के लेके मैं इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हुई ना, ऑब्वियसली सब लोग हो जाते हैं यार, सबको कोरिया के बारे में, वैसे मैं ये नहीं बोलूंगी सबको कोरिया के बारे में BTS के पता होता, लेकिन BTS है, BTS आता है कहीं ना कहीं आपके अंदर आता है, तो मैं तो मतलब पूछो मत, बहुत ज्यादा मैं पूरे टाइम BTS के टिकटॉक्स पे देखती रहती थी, यूट्यूब चलाती रहती थी, BTS के गाने सुनती रहती थी, उनके इंटरव्यूज देखती रहती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया था भाई BTS के बारे में। तो मुझे ऐसे क्या होता है कि जो यूट्यूब पे मुझे एक वीडियो मिली GKS के बारे में, तो मेरे को पता चला ऐसे ही रिकमेंड होते होते, मेरे को उससे पहले मैं के ड्रामा देखना भी मैंने स्टार्ट कर दिया था, बहुत ज़्यादा के ड्रामा देखती थी, बहुत ज़्यादा। मैंने फर्स्ट के ड्रामा देखा, मुझे इतना पसंद आया ना, द हायर्स था वो ली मिन हो का, मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने सारे के ड्रामा देख डाले, फिर मुझे जो दिख जाए मैं उसको देख लेती थी पूरा। फिर उसके बाद मुझे ऐसे यूट्यूब पे रिकमेंडेड में एक वीडियो आई GKS को लेके, तो मैंने देखा, तो मुझे पता चला कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री में एक मतलब ऐसे होता है GKS स्कॉलरशिप है, तो मैंने अपने घर वालों को बताया कि मुझे जाना है, उस टाइम पे 11th क्लास में थी मैं, 11th क्लास में आ गई थी, तो मैंने उनको बोला कि मुझे ऐसे अंडर ग्रेजुएट करने के लिए ना GKS स्कॉलरशिप में जाना है, मतलब ये उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने मेरा देखा बिल्कुल नहीं, तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी तुम बहुत छोटी हो, अभी तुम जाओगी तो ये मेरा सपना चूर चूर हो गया वहीं पे। तो फिर मैंने कहा कि अब क्या कर सकते हैं, घर वाले नहीं माने, तो उस टाइम पे लेकिन उनको ये नहीं था, मतलब फिर ये नहीं कि तुम कुछ भी कर सकते हो, बट उनको ये नहीं था कि वो तुम इतनी कम उम्र में तुम्हें वो कहीं और भेज दे पढ़ने के लिए, तो मेक सेंस, मैं भी उस टाइम पे 11th क्लास में थी तो उम्र छोटी की वजह से हो गया ये। उसके बाद मैं बस अपना BTS देखती रहती थी और के ड्रामा देखती रहती थी और अपना इंटरव्यूज़ वगैरह देखती थी BTS के, तो बहुत इंटरेस्टेड लाइफ चल रही थी। फिर मुझे क्या हुआ कि मैं ना हिस्ट्री पढ़ने का मुझे बहुत इंटरेस्ट रहता है, तो मुझे हिस्ट्री में ना हमारी एक बुक में मैंशन था कोरिया के बारे में, उनकी हिस्ट्री मैंशन थी, तो पहले भी मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कोरिया को लेकर, फिर जैसे ही मैंने उनकी हिस्ट्री में जैसे मुझे, तो भाई मेरे को अगर मेरे बुक में कोरिया दिख गया, मैं तो ये थी कि मतलब मुझे कहीं भी कोरिया दिख जाए ना, मैं तो बस देख के कि ओ कोरिया कोरिया, तो वैसे मुझे जैसे दिख गया कोरिया, तो मैंने कहा कि पढ़ो भाई क्या लिखा है, तो उसमें ज़्यादा मेंशन नहीं था, उसमें थोड़ा बहुत ही मेंशन था क्योंकि वो पूरे एशिया को लेके चल रहे थे चैप्टर में, तो कोरिया के बारे में थोड़ा सा मेंशन था, उनमें थोड़ा सा मेंशन था, मैंने गूगल पे जाके पूरा देख लिया, तो मैं पूरा गूगल पे देख रही थी कि क्या क्या हिस्ट्री है। तो मेरा इंटरेस्ट पहले भी कोरिया में था BTS के ड्रामा को लेके, फिर मुझे एज अ मतलब हिस्ट्री की तरफ से भी थोड़ा कल्चर वाइज भी आने लग गया बहुत ज़्यादा, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, तो मैंने कहा क्या करूँ यार मैं, और मुझे उस टाइम पे पता भी नहीं था कि मैं क्या करूँ, मुझे कोरिया में इंटरेस्ट आ रहा है बट इसका क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकते, ये तो बस ऐसे मतलब आ ही रहा है इंटरेस्ट, उसका कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे 12th में जब मैं थी ना, तो मुझे 12th में मेरे एक कोचिंग टीचर हैं, इंग्लिश के टीचर थे मेरे, तो उन्होंने अपने स्टेटस पे डाल रखा था, उनके कुछ स्टूडेंट थे जो JNU में लैंग्वेज एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गए थे,
किसी और लैंग्वेज में, मुझे नहीं पता कौन सी लैंग्वेज थी. तो मुझे बस ये पता चला कि कुछ लैंग्वेज वगैरह का भी कुछ सिस्टम है. तो मैंने कहा लैंग्वेज क्या होता है, तो मैंने अपने सर से पूछा कि लैंग्वेज क्या होता है. तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे JNU में ना, ऐसे कॉलेजेस में, JNU में क्या और भी कॉलेजेस में, जामिया वगैरह में, तो लैंग्वेजेस को लेके आप पढ़ाई कर सकते हो, अपना डिग्री वगैरह कर सकते हो. तो मेरे को तो भैया इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया ना, मेरे को मैं तो ढूंढ रही थी कोरिया किधर है, कोरियन लैंग्वेज किधर है. तो मेरे कोरियन लैंग्वेज के लिए मैंने सोच लिया कि मुझे कोरियन लैंग्वेज ही सीखनी है. मेरे सारे सपने गए पीछे. मैं टीचर बनना चाहती थी, बनना चाहती थी, बट क्या होता है ना, जैसे तुम्हें मेरे को ये वाला मिला तो मुझे, मैंने कहा ये करना है, मुझे ये करना है. ऐसा नहीं कि मेरे को टीचर बनने का कुछ ख़राब प्लान था या कुछ भी, वो भी अच्छा प्लान था, बट फिर मुझे लगा कि अब मुझे यही करना है. तो मैंने फिर डिसाइड कर लिया कि मुझे लैंग्वेज में जाना है. अब लैंग्वेज में जाना है, लेकिन मेरे घर वालों को मैंने पूछा कि उन्होंने कोई बात नहीं. और 12th में मेरे मार्क्स आए थे 95%. तो मेरा प्लान था, मतलब चाहती तो उस, अभी तो जैसे ये ना कि अभी आप पेपर देते हो 12th के बाद, एक होता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसको, कि पेपर देते हो उसके बाद आपका कॉलेज में एडमिशन होता है. मेरे टाइम पर तो ये चल रहा था कि मतलब आपके मार्क्स आए हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा. तो मेरे अच्छे खासे मार्क्स आए हुए थे. मेरे पेरेंट्स भी सोच रहे थे कि मतलब मार्क्स आ रखे हैं तो अच्छे कॉलेज में कुछ. मैंने कहा नहीं, मुझे JNU का एंट्रेंस एग्जाम देना है कोरियन लैंग्वेज के लिए. तो मैं थी बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट, क्योंकि मेरे 95% आ रखे थे, मैं क्लास की टॉपर थी. मुझे लगा कि भैया क्या ही होता है एंट्रेंस एग्जाम, पता नहीं मैंने ऐसा क्यों सोचा. मुझे लगा कि क्या ही होगा एंट्रेंस एग्जाम में. तो मैंने बस अपना मतलब 2-3 घंटा पढ़ लेती थी, और मे बी शायद 1-2 महीना मैंने पढ़ाई करी मुश्किल से, 1-2 महीना, 2-3 घंटा बस. जहाँ लोग उसके लिए 1-1 साल का ड्रॉप लेते हैं, देख रहे हो तुम, लेवल मैच करके देख रहे हो मेरा. अभी तो मैं बहुत ही बेवकूफ लग रही ऐसी बातें करते हुए. तो जो लोग मुझे ड्रॉप आउट करके, मतलब वो जो 1-1 साल का, 2-2 साल का ड्रॉप लेते हैं, तब जाके वो JNU में सिलेक्शन लेते हैं, मैं यहाँ पे अपना ओवर कॉन्फिडेंट लेके कि मैं 2 महीने मैंने पढ़ लिया है, मैंने पेपर दे दिया, मेरा तो हो ही जाएगा. तो जो उसका रिजल्ट था, उसका जो रिजल्ट था वो आया था अक्टूबर में, अक्टूबर के लास्ट तक आया था. और उस टाइम तक सबके कॉलेजेस के फॉर्म्स बंद हो गए थे, कोई सा भी कॉलेज का फॉर्म, सब कुछ बंद ही हो गया. तो अक्टूबर में आके क्या चल रहा होता है. तो मैं तो ओवर कॉन्फिडेंट थी कि मेरा तो JNU में हो जाएगा. तो मैंने ओवर कॉन्फिडेंट में कहीं भी फॉर्म फिल नहीं करा, नहीं कर, मैं तो JNU. रिजल्ट आया, JNU नहीं था उसमें. तो मेरा तो भैया लाइफ का फर्स्ट फेलियर, मेरा बचपन से मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ. मेरा जो फर्स्ट फेलियर था ना, मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा था जैसे ब्रेकअप से बुरा ज़्यादा दुख दर्द पीड़ा उस जगह, उस टाइम पे मुझे पता चला था. मतलब मेरे कॉन्फिडेंट की, मेरे तो भाई मेरा तो दिमाग हिल गया था, मैं सच बता रही हूँ. मुझे 8 दिन तो मैं ऐसा लग रहा था कि बस मेरे को छोड़ दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं अपने आप को बहुत बड़ा फेलियर समझ रही थी. सर करना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन भाई हो जाता है, तुम नहीं कर सकते ऐसे, बोलते ना बी पॉजिटिव, नहीं हो पाता उस टाइम पर बी पॉजिटिव. मैं सोच रही थी कि मैंने अपना पूरा साल बर्बाद कर लिया, मैंने कुछ करा भी नहीं, मैंने पता नहीं क्या कर रही हूँ, अब लोग मुझ पर हंसेंगे, मतलब 95% टॉपर और JNU सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैं ना कॉलेज है ना कुछ. तो मैं तो भाई बहुत ज़्यादा परेशान थी. तो मेरे भाई ने, फिर मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रखा था, मैं तो सोच रही थी, मेरे को तो ये भी नहीं सोच रही थी कि मुझे आगे करना क्या है अब. तो मेरे भाई ने मुझे बोला कि GKS ट्राई करते हैं. तो मैंने उसको सीधा बोला JNU हो नहीं रहा तो GKS की बातें मत कर यार, मतलब आप यार दिमाग लगाओ, वो भी ऐसी बात. मैं उस टाइम पे मेरा बिल्कुल मेरे अंदर कॉन्फिडेंट नहीं था. मैंने कहा JNU हो नहीं पा रहा है, GKS की बातें कर रहे हैं, कोरिया जाने की है, यहाँ पे इंडिया में सिलेक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे. तो मैंने उसको मना कर रही थी कि मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. तो मैं बैठ के फिर मैंने सोचा, थोड़ा होता ना 8 दिन के बाद थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन करा, थोड़ा सोचा कि भाई आगे भी कुछ करना है. तो 10-8 दिन तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं यार कुछ तो करना पड़ेगा, इससे अच्छा करना है. अब मैंने सोच लिया था कि जो भी करना है मुझे, ज़्यादा तेज भाती हो क्या, कुछ नहीं. तो मतलब मैंने सोच रखा था कि अब जो भी होगा वो अच्छा होगा. भाई बिल्कुल नहीं, अब मैं एक और फेलियर झेलने के लायक मैं तो नहीं कर सकती. मेरी मेंटल हेल्थ मना कर चुकी है कि बहना माफ़ कर दो हमें, हम नहीं झेल पाएंगे. तो मैंने फिर सोचा कि मुझे GKS में जाना है. मैंने GKS की गाइडलाइंस पढ़ी, तो उसमें मेंशन था कि अगर आपके पास टॉपिक लेवल है तो आपको, टॉपिक लेवल है तो आपको 10 कुछ प्लस पॉइंट्स मिल जाते हैं, प्लस पॉइंट्स मिल जाते हैं. मैंने सोचा कि भैया ये चाहिए मुझे, मुझे GKS ही चाहिए. तो मैंने कहा कि अपने चांसेस कैसे करके भी हाई करने हैं, तो मैंने सोच लिया कि मुझे टॉपिक पास करना है. अब कैसे करना है वो नहीं सोचा था उस टाइम पे, बस टॉपिक पास करना है. फिर मैं YouTube पे देख रही थी कि मतलब कोरियन सीखनी है ना, तो कोरियन कैसे सीखे. तो मुझे YouTube पे ना LKI लर्न कोरियन इंडिया यूट्यूब चैनल है, तो उस पे ना उनका वो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट भी और यूट्यूब चैनल भी है. तो उन्होंने वीडियोज डाल रखी थी कोरियन को लेके, बेसिक कोरियन जो होती है ना लेवल 1 तक की. तो उन्होंने वो सारी मतलब कम से कम नहीं तो 40-50 कुछ वीडियोस थी. तो मैंने कहा कि अगर ट्राई तो करके देखूँ कि क्या होता है कोरियन लैंग्वेज, मतलब मे बी शायद मुझे आगे इंटरेस्ट नहीं आया, एक बार पढ़ के तो देख लो. तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया
मैंने वो एक महीने के अंदर खत्म करी थी जब मैंने पढ़ना स्टार्ट करा ना. मतलब के ड्रामा अलग है, रियलिटी हिट्स हार्ड, ये वाला मुझे उस टाइम पर समझ आ गया था. मुझे लग रहा था के ड्रामा देख के मैं तो मतलब आ जाएगी कोरियन में क्या है, लेकिन जब सीखा तो वो बहुत हार्ड थी. मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा था पढ़ने का. मतलब स्टार्टिंग के 2-3 दिन तो मुझे लगता था कि क्या है यार, क्यों पढ़ रही हूँ मैं इसको आगे. तो अपने भाई को साथ बिठा के पढ़ती थी, तू भी पढ़ मैं भी पढ़ूंगी, ताकि मेरा भाई उससे बड़ा है, वो समझता है वो मेरी बातों को. तो फिर मैंने उसको बिठाया तो उसको भी पता था मेरा मन नहीं लग रहा, तो हम दोनों साथ में बैठ के कोरियन सीखते थे. वो भी सीख गया थोड़ा थोड़ा. तो हमने फिर मैंने कोरियन सीखी वहाँ से. एक महीना मैंने अपने सारे बेसिक क्लियर करे और धीरे धीरे करके मुझे लगा कि अब मेरा इंटरेस्ट आ रहा है कोरिया में, कोरियन में. तो मैंने कहा अब क्या करें, अब मुझे करना था टॉपिक पास. तो मैं टॉपिक पास करने के लिए मैंने सोचा कि अब मैं टॉपिक पास कैसे करूँगी. तो मैंने एल के आई को ज्वाइन किया, उनका ऑनलाइन सीट होता है, उनकी क्लासेस भी चलती है ऑनलाइन. तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया. मैंने वहाँ पे सतीश सर थे, योबिन मैम थी, हर्ष सर थे, बहुत ही अच्छे टीचर्स मिले मुझे. मतलब बेस्ट टीचर्स, बहुत ही अच्छे टीचर्स. अगर आपको कोरियन सीखनी है, बहुत अच्छे टीचर्स थे हैं. तो वहाँ पे योबिन मैम हमारी नेटिव कोरियन है, वो तो वो हमारी स्पीकिंग क्लासेस लेती थी, हर्ष सर राइटिंग क्लासेस लेते थे, और सतीश सर तो ओवरऑल देखते थे सब कुछ, वो सब कुछ ही पढ़ा देते थे. तो बहुत ही मतलब उन्होंने हेल्प किया, तो वो बहुत ज़्यादा सिखाते. तो मैंने प्लान था कि मुझे करना है क्लियर, और मेरे को सिर्फ 4 महीने बचे थे. मुझे जनवरी पता, नवंबर दिसंबर, हाँ मुझे ना जन दिसंबर में पता चला था कि मुझे मतलब टॉपिक देना है. तो मुझे 4 महीने बचे थे, अप्रैल में मेरा था टॉपिक. तो मैं 4 महीने में कैसे क्लियर होगा अब ये. तो 4 महीने में क्लियर करने के चक्कर में मतलब सब लोग मुझे मना कर रहे थे कि नहीं होगा तुम्हारा क्लियर, क्योंकि जो मेरा और भी कोरियन सीख रहे थे जो, क्योंकि बहुत हार्ड होता है टॉपिक लेवल 1 और 2. तो वो कह रहे थे टॉपिक लेवल 1 और 2 पे चलेगा, मैं जाना ही क्यों जब मुझे टॉपिक लेवल 3 चाहिए वहाँ पे. तो कुछ फ़ायदा नहीं है टॉपिक लेवल 1 और 2 का, मुझे अपने चांसेस आए चाहिए तो मैं टॉपिक लेवल 3 पे जाऊँगी. तो वो मना कर रहे थे कि मत जाओ टॉपिक लेवल 1 और 2 पे जाओ. मैं नहीं, मैं टॉपिक लेवल 3 पे ही जाऊँगी. और मेरे टीचर को भी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मुझ पर भरोसा था कि मैं कर लूँगी, क्योंकि मेरा उस टाइम पर चढ़ा हुआ था कि मुझे फेलियर नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए कुछ नहीं चाहिए मुझे फेलियर में अब. तो मैंने स्टार्ट करा पढ़ना टॉपिक के लिए. बहुत हार्ड था उसके लिए पढ़ना. मतलब सुबह 5 बजे से उठो, पढ़ने स्टार्ट कर दो, नाश्ता का टाइम है नाश्ता कर लो, नाश्ता खाने के बाद फिर पढ़ना स्टार्ट कर दो, खाना का टाइम है खाना खा लो, फिर पढ़ना स्टार्ट कर दो, फिर जब रात का टाइम है खाना खाने का फिर खाना खा लो, फिर पढ़ना स्टार्ट कर दो. इतना सारा पढ़ा ना मैंने उस टाइम पे, मुझे ऐसा लग, लेकिन उस टाइम पे ना मुझे बहुत ज़्यादा था कि नहीं यार मुझे करना है, मुझे करना है. पूरा दिन पढ़ने को राजी थी. तो मैं 4 महीने मैंने बहुत मेहनत से पढ़ा, बहुत ही ज़्यादा मेहनत से पढ़ा, और मेरा टॉपिक क्लियर हो गया. दिल को शांति मिली कि एक और फेलियर नहीं आने वाला है. तो जैसे ही मेरा टॉपिक पास हुआ तो मेरे भाई को तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आ गया, क्योंकि वो देख रहा था मुझे पढ़ता हुआ, मेरा टॉपिक भी क्लियर हो गया. उसको तो लगा इसका तो हो ही जाएगा, तो उसने तो भाई मेरा पासपोर्ट पहले से ही बनवा के रख दिया उसी टाइम पे जैसे मेरा टॉपिक क्लियर हुआ. अप्रैल में क्लियर, अप्रैल जून जून में उसका रिजल्ट आया था, जुलाई अगस्त सितंबर, अभी तक गाइडलाइंस आई भी नहीं थी, 3-4 महीने पड़े थे गाइडलाइंस के लिए. उसने उस 3-4 महीने या पहले ही बना के रख दिया कि नहीं इसका तो हो जाएगा, उसने पासपोर्ट बना के रख दिया. अब हम वेट कर रहे थे गाइडलाइंस का, मैं वेट कर रही थी गाइडलाइंस का. गाइडलाइंस आई सितंबर में, ठीक है गाइडलाइंस आई सितंबर में. तो उस टाइम पे ये है मेरे जिंदगी का मेन पॉइंट, मैंने जो ब्लंडर किया है ना, ब्लंडर हाथ देके मैंने मिस्टेक करी है बैठ के. मतलब मिस्टेक तो बोल ही सकते उसको, बताते हो बहुत अजीब लग रहा है. तो उसमें मेंशन था कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपोस्टल करा के भेजने हैं. मैंने एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई किया था पहले. तो एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई करने के बाद क्या हुआ कि मैंने किसी एक जने, मैं नाम नहीं दूंगी यहाँ पे किसी का, मैंने किसी का यूट्यूब चैनल पे किसी की वीडियो देखी. उसमें उसने मेंशन, मेरे ख्याल से उनके लिए शायद चल भी गया हो, ऐसी बात नहीं है, उसमें भी उनके लिए वर्क कर गया हो, मेरे लिए तो नहीं करा. तो उन्होंने बोला कि पोस्टल कराने की जरूरत नहीं है, आप पहले नोटराइज करा के भेज सकते हैं. हाँ तो जो आप सोच रहे हो वही मैंने किया. मैंने क्या करा, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स नोटराइज करा दिए और मैंने कहा कि चल जाएंगे भैया, ये तो चल ही जाएंगे. तो मैंने नोटराइज करा के अपने सेट्स बना के और भेज दी एम्बेसी सबमिट करने चली गई. और मैं थी कॉन्फिडेंट में कि मेरा तो आ ही जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट में थी कि मेरा तो आएगा यार, क्योंकि इतना तो आ रहा था ना, टॉपिक 3 पास कर रखा है, सब कुछ क्लियर है, टॉपर हूँ मैं, ये सब मेरे को लगा मेरे को तो आ जाएगा. रिजल्ट आया उसका, मेरा नहीं आया. वो भी बहुत लेट तक आया था, वो 7-8 बजे तक आया था रात को. और जैसे मैंने देखा कि मेरा नाम नहीं आया है, तो जो मेरी बुरी हालत हुई थी ना उस टाइम पे, ओहो पूछो मत. मतलब मैं तो मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरा आसमान धरती सब कुछ हिल रहा है मेरे साथ में, भूकंप भूचाल सब कुछ एक साथ आ रहा था. तो मैं तो मतलब बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस में एकदम से, मेरे को क्यों नहीं आया है. तो 8 बजे रिजल्ट आया था, मैं 10 बजे तक तो ये सोच रही थी कि क्यों नहीं आया है.
और ऊपर से सबसे बड़ी बात, दो जो बड़ी बात है कि पहली बात मेरा हुआ था वहाँ पे ऑपरेशन, मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ था, मैं पहले स्पेक्स पहनती थी तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव था, कुछ बहुत ही ज़्यादा 1.5-2 लाख रुपए उसमें लग गए थे। तो क्या हुआ कि मेरे मम्मी ने मेरा मना, मतलब डॉक्टर ने मना कर रखा था कि रोओगे तो आंखों पे लोड पड़ेगा। मेरी यहाँ पे दुनिया मुझे बिखरती हुई दिखाई दे रही है, मैं रो भी नहीं सकती उस टाइम पे। मैं पता मेरे यहाँ यहाँ तक आंसू नहीं होते, गले में दर्द आ रहा है थोड़ा सा, वो आंखों ऊपर करके तुम आंसू कर रहे होते, मैं वैसे आंसू कर रही थी। मेरे मम्मी घर वाले, रोना नहीं रोना नहीं। अरे भैया मेरे सपने ऐसे ऐसे लग रहे हैं किसने बाल्टी भर के, बाल्टी की टंकी भर के पानी फेंका है किसी ने उसके ऊपर। मैं रो भी ना, तो मैं रो भी नहीं पा रही थी। और फिर मैं सोच रही थी कि मेरा सिलेक्शन हुआ तो हुआ कैसे नहीं। मैं टॉपर थी बस, मतलब 10th 11th 12th में अपना टॉपर के मैंने सर्टिफिकेट्स, अपने हाई स्कूल ईयर्स के मेरे सारे बेस्ट मार्क्स। मैं बचपन से डिबेट बहुत ज़्यादा करती थी, डिबेट्स के मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर के सर्टिफिकेट्स, मैं टॉपिक मैंने पास कर रखा था। ऊपर से क्या, उसके बाद मैंने अपना आर्टिकल, मैं आर्टिकल लिखती थी कोरियन कल्चर के ऊपर, annyeonginDia.com पे आपको चेक करना तो कर सकते हैं। तो मैं वहाँ पर आर्टिकल्स भी लिखती थी, उसके पास ही मेरा सर्टिफिकेट था। मैं कोरियन लोगों को इंग्लिश भी टीच करती थी तो उसका मेरे पास एक्सपीरियंस था। फिर उसके बाद जो पर्सनल स्टेटमेंट थी मेरी और जो मेरा स्टडी प्लान था वो मैंने कोरियन में ही लिखा था। इतना सब कुछ करने के बाद मुझे लग रहा था कि यार ये कहाँ गलती होगी, ऐसा क्या हो गया जो मेरा इंटरव्यू के लिए भी नंबर नहीं आया है। तो 10 बजे तो ऐसे बज गए, 10 बज गए रात के, सिस्ते कि क्या नहीं हुआ। फिर मुझे एकदम से आया मेरे भाई को कि अब पोस्ट आई, शायद वो गड़बड़ कर गया, वो अपोस्टर वाला गड़बड़ कर गया वो सीन। तो मैंने अपोस्टर वाली बात गड़बड़ कर गई, तो मैंने कहा कि अब क्या कर सकते हैं। मेरा तो भाई कुछ नहीं था, मैंने इसलिए मैं आपको बोल रही थी वीडियोस में कि आप अपना बैकअप लेके रखो, अगर आपका एम्बेसी ट्रैक से नहीं हुआ आप यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए दिमाग में रखो कि कौन सी यूनिवर्सिटी डालना। मैंने तो कुछ नहीं रखा, मैं तो मतलब मजे से बैठी हुई थी कि मेरा तो एम्बेसी ट्रैक में हो ही जाएगा। तो मैंने फटाफट फिर यूनिवर्सिटी देख रही थी, मेरा तो हाथ भी नहीं चल रहा था मैं यूनिवर्सिटी देखने के लिए। फिर हम दोनों मिलके, मेरा और मेरा भाई, हम लोग यूनिवर्सिटी देख रहे थे कि यूनिवर्सिटी कौन सी है कैसी है, मेरा डेडलाइन किससे मैच कर रहा है, मेरा मेजर, क्योंकि मैं एकदम से पर्सनल स्टेटमेंट स्टडी प्लान तो चेंज कर नहीं सकती कि मेजर ही बदल दूँ अपना अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो तो। मैं कहा क्या करें, तो हम यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे थे। फिर मुझे बुसान यूनिवर्सिटी दिखी, ये मैंने कहा ये यूनिवर्सिटी सही है, मेरा मेजर भी मैच कर रहा, डेडलाइन भी अच्छी थी, मतलब मुझे अच्छी क्या थी, 10 दिन मिले थे मुझे डेडलाइन के लिए कि मुझे 10 दिन में अपना भेजना है। मैंने कहा कि इसमें करते हैं अप्लाई। फिर मुझे रात रात में, मैंने रात में अपना पोस्टर वालों को कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट किया। अभी ब्लेंडर खत्म नहीं हुआ, एक और मेरे तो मतलब स्ट्रगल्स पे स्ट्रगल्स आएंगे, अभी तुम देखो। तो मैंने रात को कॉल किया तो उन्होंने बोला कि आपका जो पोस्टाइल है वो हाँ हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा, लेकिन मेरा जो रिजल्ट आया था वो फ्राइडे को था और सैटरडे संडे अगले दिन पड़ रहा था, तो सैटरडे संडे मिनिस्ट्री ऑफ है। मेरे तो मतलब मैं सी बता रही हूँ, मेरे को तो लग रहा था कि मेरा कोरिया जाने का सपना सपना ही रह गया, बस हो गया खत्म, कुछ नहीं होने वाला। सैटरडे संडे छुट्टी है, 2 दिन तो ऐसे चले गए, 3 दिन वो लेंगे, भेज नहीं पा रहे, हम नहीं भेज पा रहे। तो मैंने फिर क्या करूँ, मैं सैटरडे संडे तो मैं इतना ज़्यादा मतलब परेशान रही थी ना, मतलब पूछो मत। फिर भी मंडे को मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स का मतलब उनको भेजे पोस्टल कराने के लिए। अब वो बोलते हैं कि 3 दिन लेंगे, फिर हम चौथे या पांचवें दिन पे आपको अपना घर पे डिलीवरी दे देंगे। मैं कहा भैया घर पे डिलीवरी मत दो मुझे, मुझे बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी है। तो कह रहे थे कि तो आप एक काम करो, दिल्ली में ना मेट्रो स्टेशन है कश्मीरी गेट, तो कह रहे वहाँ पर आप आ जाओ, हम आपको आपके डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, 3 दिन में हो जाते हैं पोस्टल, तो आप ले जाओ, हम आपको डिलीवरी नहीं भेज रहे आपके घर पे। मैं ठीक है, मैंने अपने भाई को बोला कि उसकी क्लासेस लेते हुए आ रहा था वो, मैंने कहा तो अपने कश्मीरी गेट पे जाइए और मेरे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लियो। कह रहे ठीक है। वो भी उस बेचारे का भी एक अलग स्ट्रगल है मेरे चक्कर में, तो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना कितनी बड़ी बात होती है, छोटी मोटी बात है, लेकिन नहीं मेरे टाइम पे नहीं हुई वो छोटी मोटी बात। मेरे भाई मतलब वो बैठा हुआ था कश्मीरी गेट पे कि अब आएगा, वो आ नहीं रहा था, बहुत देर हो गई थी। तो वहाँ पे कश्मीरी गेट के सामने ना, तो वहाँ पे लोग कचौड़ी वगैरह कुछ बहुत सारे वहाँ पे लगे होते हैं स्टॉल्स टाइप के, तो उसको भूख लग रही थी बेचारा सुबह से अपना क्लासेस वगैरह ले रखे, तो उसने कहा कि खा लेते, गर्मा गर्म उसने हाथ में ली। और जैसे उसने हाथ पे खाना रखा है कि कॉल आया कि भाई मैं इस वाले गेट नंबर पे खड़ा हूँ, जल्दी यहाँ पर आ जाओ। वो तो ना ऐसे फेंक सकता था, ना इसको छोड़ के जा सकता था, उसने वो गर्म गर्म मुंह में डाल के, मुझे अभी तो हंसी आ रही, लेकिन बेचारा उस टाइम उसका मुंह जल गया था पूरा, वो गरम गरम कचौड़ी अपने मुंह में डाल के भागता हुआ जा रहा है कि मतलब मैं अपने डॉक्यूमेंट्स ले आया मेरे, उसका उसकी कचौड़ी पेट में बता रही कैसे जा रही होगी, उसका उसके पेट में भी जल गया होगा मेरे ख्याल से। तो बहुत ही ज्यादा परेशान, वो जैसे तैसे वो डॉक्यूमेंट्स आए घर पे। डॉक्यूमेंट्स आने के, मैं उस टाइम पे 2-3 की मुझे छुट्टी मिली थी, तो मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और अरेंज कर चुकी थी, बस मुझे पोस्टल वाले लगवाने थे। पोस्टल वाले मैंने अपने एनवलप में डाले, अपने सेट बनाया और मैंने DHL वालों को कॉन्टैक्ट किया और वो 2 घंटे में आ भी गए लेने।
तो DHL वाले इंटरनेशनल एक सर्विस थी, कुरियर सर्विस थी, तो मैंने उसको कांटेक्ट किया था सीधा. तो उनका वो मैंने बोला था फेडेक्स से भेजने के लिए, तो फेडेक्स से भेजने के लिए मैंने उनको बोला और वो आ गए लेने 2 घंटे के बाद, और वो चले भी गए डॉक्यूमेंट्स. तो कम से कम एक तसल्ली तो हुई कि डॉक्यूमेंट्स चले गए हैं, लेकिन अभी भी नहीं गए हैं वो. मैंने बोला ना मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, मतलब मूवी बन सकती है इस पे कोई. तो मैं रात को ऊपर अपना बैठी हुई थी आराम से तन्हाई में और थोड़ा दुख में कि अब मेरा साथ क्या होने वाला है क्या नहीं होगा. तब तक एक कॉल आता है कि आप फेडेक्स से भेजना चाहते थे कुरियर सर्विस का, कि आप फेडेक्स से भेजना चाहते हो? हाँ. कि नहीं, 2 दिन तक नहीं जा सकता. उन फेडेक्स वाले का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि क्या प्रॉब्लम था. उन्होंने मना कर दिया कि 2 दिन तक फेडेक्स वाले की कुरियर सर्विस नहीं होगी, वो 2 दिन के बाद ही करेंगे, तो ये डेडलाइन तो मैच कहीं से करने नहीं वाली. मैंने कहा ये तो हो गया भैया, अब नहीं हो रहा. तो मैंने कहा कि अब आप बताओ, मुझे नहीं पता, आप मुझे बस मुझे मेरे डॉक्यूमेंट चाहिए, डेडलाइन तक वहां पर पहुंचने चाहिए, उसके बाद गए तो कुछ फायदा भी नहीं है मेरा, तो मतलब पूछो मत. फिर मैंने उनसे बात करी, मैं और मेरे भाई मिलकर हम लोग उनसे बात कर रहे थे कॉल पे. तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम DHL से भेज देंगे, कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी लगे मेरे डेडलाइन तक आने तक, ताकि मैं जल्दी से जल्दी मेरा पहुंचे यहाँ पे. फिर वो वाला उनका ब्लंडर, पूरी मिस्टेक, मैंने वो वाला सीन खत्म करा कि भेज दो भैया कैसे, बस टाइम टू टाइम भेज देना. वो भेज गया. फिर हम इंतजार कर रहे थे कि कब जाएगा कब जाएगा, पूरे टाइम चेक करती रहती थी, वो दिखाता ना लोकेशन, यहाँ पहुंच गया यहाँ पहुंच गया यहाँ पहुंच गया. और देखो मेरा जो डॉक्यूमेंट्स था वो कब पहुंचा यूनिवर्सिटी, जैसे डेडलाइन जो थी उसके वो 5 बजे तक यूनिवर्सिटी की डेडलाइन थी, 5 बजे तक आपके डॉक्यूमेंट्स आने चाहिए, मेरा 3 बजे या 3:30 बजे यहाँ पे पहुंचा है, दिखता है वहाँ पे टाइम और सब कुछ. मैंने कहा कि पता नहीं यार, ये लास्ट टाइम पे आया है, ये कुछ होगा भी कि नहीं होगा, मतलब क्या होगा इसका. तो वो फाइनली बस वो डॉक्यूमेंट्स तो पहुंच ही गए. फिर उसके बाद हम मैं वेट कर रही थी अपने इंटरव्यू कॉल का. वो बहुत बुरा टाइम था क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि मेरा होगा, क्योंकि मेरे बहुत ही बिल्कुल एकदम लास्ट मोमेंट पे मेरे डॉक्यूमेंट्स पहुंचे थे. तो मैं रोती भी रहती, रोती मतलब मैंने बताया, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया कि मैं रो नहीं सकती थी, तो मतलब यहाँ तक कि मैं आंसू ना, मेरे यहाँ दर्द होने लग गया था मेरे गले में, क्योंकि मेरे को बहुत ही ज़्यादा, मेरे को पता नहीं क्या हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी. तो मैंने ऐसे ही मैं घर में लेटे लेटे, वही तन्हाई वाला माहौल और मुझे परेशानी बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो मैं ऐसे ही बैठ के रहा. फिर मेरे को एकदम से 2 बजे दोपहर में मैं अपना ईमेल खोलती रहती थी, वो भी होता है कि देख ही लो क्या भरोसा आ गया हो. तो मैं ऐसे देखती हूँ, बोल रही थी कि क्या खोल खोल के करूँ, कुछ आता वाता तो है नहीं इस पर. जैसे मैंने खोला ना, तो उसमें मेरा लिखा आया मेरा पूरा मेल कि आप सिलेक्टेड हो इंटरव्यू के लिए. जो मुझे शांति मिली उस टाइम पे, मैं मतलब दुनिया के सारे सुख अलग, वो वाला भाई जो खुशी, वो हैप्पीनेस, वो जो चाहिए थी वो अलग चीज़ है. तो जैसे मैंने देखा ना, मैंने कहा बस हो गया हो गया. तो मैंने उस पर देखा तो उसमें मुझे बोला गया था कि आपको इंटरव्यू के लिए क्या करना है, कि हमें एक 8 मिनट के अंदर अंदर उसके अंदर अंदर मुझे एक वीडियो बनानी है. उस पे उन्होंने कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट देके भेज रखी थी कि इन क्वेश्चंस को आपको बताना है, उस वीडियो में एक्सप्लेन करना है. डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस थे, वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, फिलहाल ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है मेरी GKS जर्नी के ऊपर. तो इंटरव्यू के लिए उन्होंने क्वेश्चंस दिए थे और 8 मिनट के अंदर वो बनाना था. अब जैसा कि आप मेरी वीडियोज देख के समझ सकते हैं कि 8 मिनट के अंदर मेरी बातें खत्म हो जाए, ऐसा हो सकता है? कभी हो सकता है ऐसा? मतलब मैं आपको पता है कि मैं एक बार बस बात करना स्टार्ट करूँ ना, मेरा है, मैं ना फ्लो में बह जाती हूँ, फिर मैं बह ही जाती हूँ, मतलब बह ना क्या, मैं तैर जाती हूँ उसके अंदर. मैं नहीं देखती फिर कितना टाइम हो रहा है कितना नहीं. तो मैंने फिर उसी जैसे मैं दोपहर के 2 बजे, मुझे 2 या 3 बजे करीब मुझे ईमेल आया था, तो मैंने शाम तक उसका पूरा अपना आंसर सेट किया कि मुझे ये बोलना है ये बोलना है ये बोलना है. अच्छी तरीके से मैंने उसको पूरा एक्सप्लेन करके रखा हुआ था. फिर मैं क्योंकि और वो जो इंटरव्यू था वो मुझे कोरियन में करना था, उन्होंने बोला ऐसे बोला था कि अगर आप इंटरव्यू देंगे कोरियन में तो और अच्छा होगा, चांस हाई करने थे भाई मुझे, तो अपने अपने चांसेस बढ़ाने थे सिलेक्शन में होने के. तो मैंने कोरियन में ही डिसाइड किया कि मैं कोरियन में बात करूंगी. तो 8 मैंने पूरा अपना लिखा और वीडियो बनाने में, अब नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी. बोला वो, जैसा कि आपको पता है लंबी वीडियोस, मैं उसके लिए मैं क्यों बना, अब मैं अपने आप को एक टास्क दे सकती हूँ उस चीज़ का कि लंबी वीडियोज और लंबी बातें मैं कर सकती हूँ. तो वो बनी सीधा 15 मिनट की. मैंने कहा कि नहीं हो सकता ये. तो अब जैसे तैसे रीटेक पे रीटेक, बार बे काट बार बे बार बार काट काट के उसको उतना छोटा बड़ा कर करके, वो जैसे तैसे मैं अपना पूरा संपूर्ण ज्ञान 8 मिनट के अंदर मैंने उसको लाया और मैंने वीडियो शूट करी और उनको भेजा. भेजने के बाद इंटरव्यू का जो रिजल्ट था वो लेट आ रहा था. पता नहीं मुझे ऐसा क्यों हो रहा था, मेरे टाइम पे ही हो रहा था, सबके इंटरव्यूज के टाइम सही आ जाते थे, मेरे टाइम पे कंपेयर टू लास्ट ईयर हमेशा आगे ही टाइम बढ़ रहा था. मैंने कहा क्या हो रहा है.
और उस टाइम में इंटरव्यू के और इंटरव्यू के रिजल्ट के बीच तक के टाइम पे जब रिजल्ट नहीं आ रहा था, मैंने अपने लाइफ का सबसे बेकार टाइम देखा था. क्योंकि मुझे होप तो पता नहीं थी कि नहीं, लेकिन मुझे पता ये था, मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर नहीं हुआ तो शायद मैंने अपना लाइफ में अपना डिस्ट्रॉय कर रही हूँ, बैठ के रून कर रही हूँ बैठ के. यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि मेरा एक साल मैंने वेस्ट चला गया पहले ही. मैं एक साल और ड्रॉप कर रही हूँ, ऐसे ही होगा क्या होगा. मतलब मेरे पास अच्छे खासे मार्क्स थे, मैं चाहती तो अच्छे कॉलेज में चली जाती, मे बी शायद मैंने गलत लाइन चुन ली है. तो देखो होता है, ये कोई बुरी बात नहीं है कि नहीं भैया आपको कभी डाउट नहीं करनी चाहिए कभी अपने डिसीजंस. जब सिचुएशन ऐसे बन जाती है तो तुम डाउट करते हो, तो तुम करते हो, तुम रोक नहीं पाते अपने आप को. मैं बहुत कोशिश करती कि नहीं नेगेटिव नहीं सोचो, नेगेटिव नहीं सोचो, वो आता है, वो अपने आप आता है. तो उस टाइम पे तो मैं रोक नहीं पाई भाई, बिल्कुल नहीं रोक पाई. मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी. तो रिजल्ट आया, लेकिन रिजल्ट आया और मेरा नाम उसमें था कि मैं सिलेक्टेड हूँ अपने नेक्स्ट NID राउंड ऑफ सिलेक्शन के लिए. इंटरव्यू मैंने पास कर लिया है. मुझे तब जाके इतनी ज़्यादा शांति मिली ना कि चलो भैया NID में तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए. जब यहाँ तक आया तो आगे भी हो जाना चाहिए, इतना थोड़ा सा लग रहा था अंदर से. आया थोड़ा सा कॉन्फिडेंट थोड़ा सा नहीं, ठीक ठाक आ गया था कि आ जाएगा. अब तो जब इतना हो गया, जब इंटरव्यू वगैरह क्लियर हो गया तो अब वो भी तो क्लियर हो जाएगा. तो मैं बैठी हुई थी अपना इंटरव्यू के लिए, मतलब अपना NID सिलेक्शन के वेट कर रही थी कि कब आएगा उसका. वो उसका भी रिजल्ट लेट हो जा रहा था. मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है. तो जो NID का जो रिजल्ट था एम्बेसी ट्रैक का, मैंने तो यूनिवर्सिटी ट्रैक से कर रहा था, जो एम्बेसी ट्रैक का रिजल्ट था उसमें इंटरव्यू में उन्होंने दो लड़कियां सेलेक्ट कर रखी थी. NID के सिलेक्शन में उनमें से एक को निकाल दिया. और उस दिन मेरा बर्थडे था जिस दिन ये एम्बेसी का ट्रैक का रिजल्ट आया. जैसे ही मैंने देखा ना कि एम्बेसी ट्रैक में भी एक, मतलब दो सीट है एम्बेसी ट्रैक की तरफ से, दो सीट, दो बच्चों का सिलेक्शन था, इनका तो कंफर्म होता. मेरे को भी लग रहा था कि ये तो दो तो जाने ही वाले एम्बेसी ट्रैक से, उनको भी एक में से निकाल दिया. मेरा जो बर्थडे वहाँ पे उस टाइम पे डिप्रेशन में बीता है ना, मुझे इतना ज़्यादा टेंशन होने लग गया. मैं कम पता नहीं मेरा आएगा या नहीं आएगा, अब क्या होने वाला भाई. मेरा बर्थडे मेरा ख़राब गया, मेरा सबसे बेकार बर्थडे गया उस दिन. मुझे अपने पैदा होने पे क्वेश्चन हो रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ यार, मैं लाइफ में अपने क्या ही कर रही हूँ. तो जैसे तैसे वो टाइम कटा, फिर मेरा यूनिवर्सिटी ट्रैक का रिजल्ट आया NID की तरफ से. और आया तो देखो कैसे आया था, उसकी भी एक अलग स्टोरी है. देख कितनी सारी स्टोरीज है मेरे पास. तो उसकी एक अलग स्टोरी है कि मेरा रिजल्ट बहुत लेट आ रहा था. मैंने यूनिवर्सिटी वाले का डिले. तो मैंने क्या करा, तो मैं क्या करती थी, बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी यार उस टाइम पे. तो अब क्या कर सकते हैं, परेशान होकर कुछ भी नहीं हो रहा. तो कपिल शर्मा शो मैं देख रही थी अपनी मम्मी के साथ. मैं कहा कुछ तो करो, अब क्या कर सकते हैं, अब है तो है. तो मैं कपिल शर्मा शो अपना थोड़ा सा माइंड ऑफ करने के लिए, क्योंकि सर में दर्द हो रहा था इतना सोच सोच के. तो मम्मी ने बैठा लिया अपने साथ कि कपिल शर्मा शो देखेंगे. मैं और मेरा भाई, मेरी मम्मी, हम तीनों देख रहे थे मजे से. सुबह के ऐसे 11-12 बज रहे होंगे कुछ. तो मैं देख रही थी और पीछे फिर उसी टाइम पे रिजल्ट आया. लेकिन मेरे भाई को पता चल गया, उसने NID की ऐसी साइट खोली होगी स्टडी इन कोरिया की, और उसमें देखा कि NID का रिजल्ट आ गया. और उसने, इतना बेकार इंसान है, उसने मुझे बताया तक नहीं. वो पीछे बैठ के मजे से उसने पूरा चेक कर लिया, मेरा नाम देख लिया, और वो बता भी नहीं रहा है मुझको. उसने बस मुझे तरफ देखा और मेरे को बस ऐसे गले लगाया, और वो थोड़ा सा मतलब इमोशनल टाइप का हो गया कि भाई, और कह रहा कि अगली रिजल्ट आ गया. भाई मुझे लगा कि मेरा नहीं आया, जिस हिसाब से बंदा इमोशनल हुआ था, मेरे को लगा, मैंने कहा कि नहीं आया क्या, कर आ गया है. तो मैं खुश होकर बोल रहा, भाई क्यों मेरे को लाइव हार्ट अटैक देने पे लगा रहता है तू. तो बहुत ही सीन हो गया था. तो मेरा जैसे ही रिजल्ट आया तो मैंने कहा बस भैया ये चाहिए था. तो मैंने फिर ढिंडोरा पीटना चालू करा अपने घर वालों की तरफ से. मैंने तो नहीं करा, मैं तो अपने मेन रिश्तेदारों के बताने की कोशिश करी. बाकी फिर मैंने बाद में बताया था उन लोगों को, कि बाकी सबको मैंने अपने दोस्तों वगैरह को मैंने बाद में बताया था. फिलहाल मैंने अपनी क्लोज क्लोज फैमिली को बता दिया कि मेरा ऐसे ऐसे सिलेक्शन हो गया. फिर उन्होंने मेडिकल वेडिकल करने के लिए बोला, और मेडिकल तो चलो मेडिकल मैंने करा लिया मैक्स हॉस्पिटल से. क्योंकि यहाँ ना उसमें ड्रग टेस्ट मेंशन होता है, ड्रग टेस्ट ऐसे लोग करते नहीं है, ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में होते हैं, या फिर आपके लिए एक अलग प्रिस्क्रिप्शन होता है तभी आप कर सकते हो. तो मैं सीधा मैक्स हॉस्पिटल गई, मुझे रिस्क चाहिए ही नहीं था इस बार. तो मैं सीधा मैक्स हॉस्पिटल में गई और वहाँ पर मैंने अपना मेडिकल करा लिया, ठीक है. और मैं अपना शॉपिंग कर रही थी. भाई मैंने इतनी शॉपिंग करी है मैं बता नहीं सकती. इतने कपड़े मैंने खरीदे हैं, कपड़े, बूट्स, फ़ोन, बहुत कुछ. मतलब मे भी मेरे को ख्याल से 1.5-2 लाख का मैंने उस टाइम पे सामान खरीद लिया था फालतू में नहीं, क्योंकि अच्छा था. मेरे को रही फालतू में क्यों अभी पहन के घूम तो रही हूँ उनको. तो बहुत शॉपिंग करी मैं, बहुत ज़्यादा खुश थी. अब जैसा कि आप पता होगा आपको मेरी पिछली वाली वीडियोस, और अभी तक का पता चल गया होगा कि मेरी लाइफ इतनी ईजिली नहीं जाती है, बिल्कुल नहीं जाती है. मैंने रिसीव करा अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ईमेल. अब गैस करो उस ईमेल में क्या होगा, धरती हिला देने वाली एक और चीज़.
उसमें मुझे मेंशन पे आया कि मेरा जो ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट है वो नहीं है उसमें, नहीं मेरा जो ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट है वो नहीं है, और प्लस जो मेरा हाँ वो ही नहीं था। तो क्या हुआ कि मैंने आपको, जैसे आपने अगर पहली वाली वीडियो देखी होगी कि कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, क्या क्या भेजना है, तो मैंने आपको बोल रखा है कि उसमें ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट अलग लगाना है और इसका ट्रांसक्रिप्ट का सर्टिफिकेट अलग लगाना है। ट्रांसक्रिप्ट में तीन जो वो लगानी है रिजल्ट्स, उन इन तीनों को और एक को पोस्टल करके भेजना है। तो मैंने क्या करा, मैंने ट्रांसक्रिप्ट में तो डाल दी, मैंने इसमें डाल दिया ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट में, ट्रांसक्रिप्ट में मैंने नहीं डाला, मैंने सिर्फ 10th और 11th का पोस्टल करा के भेज दिया और 12th वाला उसमें नहीं जोड़ा, क्योंकि मुझे लगा कि ये तो काम बन ही जाएगा। बट उन्होंने वो लिंक नहीं देखा, मुझे मैसेज आ गया कि आप फटाफट 2 दिन में भेजिए। वो तो चलो मेरी यूनिवर्सिटी अच्छी थी कि मेरा सिलेक्शन हो गया उस टाइम पे, वरना NID कभी ऐसा नहीं करती है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है वो आपको बोलेंगे भी नहीं कि आपका इनकम्प्लीट है, सीधा फेंक देंगे बाहर कि नहीं नहीं हो रहा सिलेक्शन। तो मेरे को पता चला, फिर मैंने वापस वही अपनी उसी कंपनी को कॉल किया जिससे मैंने पोस्टल करवाया था, फिर वापस मैंने मेरा भाई लेने गया उसको वहाँ पे, फिर वापस मैंने उसको कुरियर वाले को भेजा, फिर वो वहाँ पे गया कुरियर पहुंचा, तो मैंने उनको मेल लिख के भेजा कि मतलब मैंने आपको भेजा, आप प्लीज़ कंफर्म कर देना कि आया कि नहीं आया। तो उन्होंने कंफर्मेशन मेल भेजा कि हाँ आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव्ड हो गए। तो जैसे तैसे वो वाला भी सीन खत्म हुआ। मतलब उस टाइम पे तो भाई मेरे को बहुत मूड खराब हो गया, क्योंकि मैं शॉपिंग कर रही हूँ। सोचो कोई इंसान शॉपिंग कर रहा है, वाह बहुत कोरिया जा रहा है, एकदम से वैसे लगता है कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स नहीं और जल्दी से जल्दी भेजो। मैं क्या है यार, क्यों मेरे को चैन से खुशी क्यों नहीं लेने दे रहा कोई। तो वो वाला भेजा, फिर मैंने अपना मेडिकल वेडिकल उनको भेजा, और फिर लास्ट फाइनल लिस्ट आई कि सिलेक्शन की, और मेरा सिलेक्शन था उसमें, ऑब्वियसली होगा। तो उसमें फिर आया, फिर उसके बाद फिर हम लोग, फिर मेरे टिकट्स वगैरह भी आए। और लेकिन टिकट्स वगैरह से पहले से एक और सी, मैंने बोला ना ऐसे हो ही नहीं सकता। तो फिर जैसे ही लिस्ट ऑफ सिलेक्शन निकल गई तो हमारी यूनिवर्सिटी से हमें मेल आया कि आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर दो। तो वीज़ा के लिए अप्लाई करने गए, तो वीज़ा में क्या होता है, आपको एक मेडिकल कराना पड़ता है, उनके लिए भी TB टेस्ट होता है। तो ये तो मेरी गलती थी, पता नहीं किसकी गलती थी, मेरी थी कि मैंने नहीं कराया, फिर सामने से मुझे इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं मिली। तो सब लोग टीबी टेस्ट बोले जा रहे थे, किसी ने ये नहीं बोला। टीबी टेस्ट ना दो टाइप के हो पाते हैं, एक होता है चेस्ट एक्सरे करा के और एक होता है आपका ब्लड लेके, खून लेके, ठीक है। तो मैं चली गई मैक्स हॉस्पिटल में अपना टीबी टेस्ट कराने, उन्होंने मेरा निकाला खून। और जैसे ही मैं घर पे आई हूँ, मुझे एक मेल, मैंने VFS ग्लोबल वालों को कब मेल किया था, उन्होंने कब जाके रिप्लाई किया, तो उनका मेल आया कि ऐसे टीवी टेस्ट नहीं करा रहा है, टीवी चेस्ट एक्सरे करा रहा है, वो भी एक डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल से जो कि लाल पैथलैब थी, उसके बस एक घंटे बाद ही। और मैं अभी 2500 का वो पूरा करा के अपना टीवी टेस्ट वाला खून वाला दे के, उसको अपना खून भी दिया, अपने पैसे भी दिए और उसको दे के, और वो खराब हो गया, क्योंकि वो तो वापस तो देगा नहीं कुछ, उससे बात भी करी वो मना कर रहा था कि ऐसे नहीं होता है। तो वहाँ मैंने अपने पैसे बर्बाद करे। फिर उसके बाद हम लाल पैथलैब गए जो मेरे घर के पास थी, तो वहाँ पे जाके मैंने पूछा, कह रहे हाँ होता है लेकिन यहाँ पर नहीं होता है, वो दूर वाले कोई बता रहा था वहाँ पे ब्रांच है, वहाँ पे जाके करना है, ठीक है। वहाँ पे गए तो वहाँ पे एक और लाल पैथलैब थी, तो वहाँ पे मैंने पूछा कि ऐसे ऐसे वीज़ा के लिए चेस्ट एक्सरे कराना होता है, यहीं पर होता है, कह रहे हाँ चेस्ट एक्सरे तो होता है लेकिन यहाँ पे नहीं होता है, आगे जाके पता नहीं कितना आगे जाके वहाँ पे एक और ब्रांच है, वहाँ पे जाके होगा, उस वही लाल पैदल में होगा। तो मैंने वहाँ गई, फिर उनको बोला, कह रहे कि मुझे चेस्ट एक्सरे कराना है वीज़ा के लिए, कह रहे यहाँ पे नहीं होता है, आपको और आगे जाना पड़ेगा, वहाँ पे होगा। मेरे को मन तो कर रहा था कि बोल दो कि तुम लोगों ने क्यों शॉप खोली हुई, रास्ता बताने के लिए कि यहाँ से यहाँ तक जाना, यहाँ से यहाँ तक जाना। इतना फ्रस्ट्रेटेड थी मैं उस टाइम पे कि वैसे ही मेरा मूड खराब चल रहा है कि मेरा वीज़ा का लग नहीं पा रहा, मुझे जल्दी से जल्दी वीज़ा का प्रोसेस करना, ऊपर से यहाँ जाओ रास्ता बताए जा रहे बैठ के। तो वो गए, फिर वहाँ पे मैंने अपना बड़ा जो, फिर फाइनली मुझे वो दिखा बड़ा सा लाल पैथलैब, तो जाके मैंने उनसे कन्फर्म किया कि यहीं पर होगा कि नहीं होगा, आप भी बोलने वाले हो कि आगे जाना है। तो उन्होंने बोला कि होगा, और मात्र 500 रुपये में वो हो गया, बताओ उसके लिए मैंने कितना झंझट कराया। तो वो हो गया, फिर मेरा वीज़ा मैंने अप्लाई किया, मेरा वीज़ा आ गया, फिर मेरी टिकट्स आई। टिकट्स आने के बाद कुछ नहीं, फिर हम अपने घर वालों को मना करते हुए जा रहे थे, जैसे तैसे मना करते हुए क्या मतलब, मन थोड़ा सा भावुक करते हुए कि चलो चलते हैं, जाने का टाइम आ गया है, और हम पहुँचे एयरपोर्ट पे। अब मैंने आपसे कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे साथ कुछ नॉर्मल हो। तो क्या हुआ कि मैं एयरपोर्ट पे पहुंची, बड़ी खुशी हुई कि मैं कोरिया जा रही हूँ, मैं अपने आप को एकदम, होता है ना वो अटायर, एकदम एस्थेटिक्स टाइप के बड़ा सुंदर सा बन के घूम रहे थे। बट जैसे बोला कि चलो चलो अंदर जाने का टाइम हो रहा है, मैं वैसे भी लेट पहुंच पाई थी वहां पे एयरपोर्ट पे, क्योंकि दिल्ली का ट्रैफिक
वो कभी भी चल जाता है भाई, वो ट्रैफिक वो कभी रुकता ही नहीं। तो वहाँ पे वो ट्रैफिक के चक्कर में मैं जिस तरह से लेट पहुंची थी, तो मेरे घर वालों ने बोला कि चलो चलो अब तो टाइम होने वाला है। मेरा जो पासपोर्ट था वो मुझे लग रहा था, वो पहले ही बता दूँ आप लोगों को लाइव हार्ट अटैक नहीं देती, मैं मुझे तो आ चुका था उस टाइम पे। तो मेरा जो पासपोर्ट था मुझे लगा कि मैं घर पे भूल के आई हूँ उसको। भाई मैं सही बता रही हूँ, मेरे शक्ल पे 12, 14, 15 सब कुछ उस टाइम पे पहुंच गया था। मुझे तो बस मैं मेरे पता है, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरा वास्तव में कोरिया सपना रह गया, बस हो गया खत्म। वो तो हर बार लगता खत्म हो गया, उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा लगा था। फिर मैंने फटाफट फटाफट अपने बैग चेक कर रही थी, घर पे भी कोई नहीं, ऑब्वियसली मुझे सब लोग घर पे छोड़ने आए हैं, वापस जाने में बहुत टाइम लग जाता, फ्लाइट निकल जाती। तो मैं पता है मैंने जल्दबाजी में मैंने अपना बैग भी ढंग से चेक नहीं करी थी। वो तो मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, वो बैठ के वो सब लोग बोल रहे हैं क्या करे क्या करे। अब तो मेरी मम्मी ने ना पीछे वाला कुछ चेन ढंग से चेक करा तो उसमें मेरा पासपोर्ट था। तो आपको अगर लग रहा हो कि मैंने इंडिया टू कोरिया कोई व्लॉग या फिर कुछ वीडियो ढंग से क्यों नहीं बनी थी, तो वो रीज़न अब आपको पता चल रहा है। मेरे शक्ल के 12 बज चुके थे। जब एक बार टेंशन हो जाए ना, फिर इंसान का एकदम से खिला हुआ चेहरा कहीं से नहीं बनता है। तो इसलिए मैं अपने गॉगल्स वागल्स ला के घूम, मेरे तो पता, मेरे तो ऐसा लग रहा था मेरे आंसू यहाँ तक आके अंदर गए थे। तो वो जैसे तैसे फिर पासपोर्ट मिला, फिर मैं गए बैठे भैया प्लेन में, फिर वहाँ से जब कोरिया लैंड हुए तो मैं मतलब रात को मेरी 12 बजे की फ्लाइट थी, मैं 9, 9:30 बजे तक या 10 बजे तक अपना एयरपोर्ट पे आई थी। तो उतने बजे से लेके 8, 9 बजे तक अगले दिन मैं यहाँ पे 8, 9 बजे तक ही बुसान आई थी। एयरपोर्ट पे गए, एयरपोर्ट से निकले इंचियन एयरपोर्ट पे, सो यहाँ कोरिया के यहाँ पे मुझे माही, आप सब अगर नहीं जानते तो आप इंस्टाग्राम पे जाके पता कर सकते हैं कि माही कौन है। तो मेरी फ्रेंड वो मुझे यहाँ पे मिली, और फिर यहाँ से वो मेरी यूनिवर्सिटी में ही है, वो ईरान से है, तो मेरी यूनिवर्सिटी में हम लोग साथ में आ रहे थे। तो हम लोग एयरपोर्ट से हम साथ में आए, बस ट्रेन करी, फिर हम यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद रहे अपना, सब कुछ सही रहा और सब कुछ, फाइनली हम यहाँ पर आके बैठ गए फाइनली कोरिया में। तो बस मैं पता आप लोगों को इस पूरी स्टोरी से एक तो मुझे बताना था, शेयर करनी थी, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि जब आप जीके जब आप अगर GKS के लिए अप्लाई करो या फिर अगर आपको कोरिया आना है, तो किसी और का आप सुनते हो ना कि मतलब उसने कैसे करा ये सब, तो वो आपको मोटिवेट करता है। तो मैं आप सबको सिर्फ ये बोलने वाली हूँ, ड्रीम बिग गाइस, ड्रीम बिग, बस बहुत सारी मेहनत और बहुत सारा हार्डवर्क चाहिए होता है और आपके सपने पूरे ज़रूर होते हैं, बहुत बिल्कुल ज़रूरी होंगे, बिल्कुल पूरे होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि हम इतना बड़ा क्यों सोचे हैं, अब कोरिया यार बहुत दूर है, क्यों सोचे, कोई मना कर रहा होगा कि अरे नहीं यार तुम्हारा नहीं होगा, मत सोचो, पूरा कोशिश करो, अपना 101% दो और अपना होगा, क्यों नहीं होगा यार, इतना मेहनत करने के बाद नहीं होगा तो किसका होगा फिर। तो मेरे ख्याल से तो मैं तो भाई आपको बेस्ट विशेज देती हूँ कि अगर जिसको भी जिसका भी मन है कोरिया आने का और GKS में अप्लाई करने का, तो मेरी जो बेस्ट विशेज हैं, सेंडिंग माई बेस्ट ऑफ लक टू यू, ठीक है। और दूसरा बात मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आपको के लोग बोलते हैं कि यार सीट्स बहुत कम आती है ना ये स्कॉलरशिप्स में, यार सीट बहुत कम है, नहीं होगा तुम्हारा, तो आप रिमेंबर एक वर्ड, ये मेरा मैजिकल है, मैं तो मतलब मैजिकल वर्ड सही है, मैं अपना दिमाग में रखती हूँ उसको जब भी मुझे कुछ करना होता है। सीट एक भी है, अगर एक सीट है, जस्ट रिमेंबर कि वो सीट आपके लिए है। डजेंट मैटर कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन चल रहा है भाई, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन आएगा, क्योंकि बच्चे भी आपको लगता है कि जो स्टूडेंट जो अप्लाई करते हैं ना GKS में, वो भी सब लोग बहुत अच्छे होते हैं, उनके 80 to 90+ होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, उनके साथ आपका कॉम्पिटिशन होता है। लेकिन कभी ना अपने आपको उस चीज़ में डालो मत कि नहीं यार ऐसा मेरा नहीं होगा, बस ये सोचो कि एक सीट तो है ना, एक सीट आपकी है, ध्यान मत दो कि दूसरी सीट है कि 4 सीट निकली है, सिर्फ इतने 1000 लोग अप्लाई करने वाले, डजेंट मैटर, उस पर ध्यान ही मत दो, बस ये देखो कि आपकी एक सीट है और होगा, वो ज़रूर होगा। तो आओ यार, अगर आपने अभी तक यहाँ पर ये वीडियो देखी है यहाँ तक, तो बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से आपको, बहुत बहुत धन्यवाद इतना सब कुछ मेरा सुनने के लिए। और वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। और नेक्स्ट वीडियो से पहले अगर आप लोग कोरिया आ रहे हो यहाँ पे, तो मैं चाहूँगी आप जल्दी जल्दी कोरिया आओ और हम मिलते हैं कोरिया में, नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं, बाय बाय।